आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार था वो खत्म होने जा रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मंदिर प्रांगण सज चुका है और अयोध्या जगमगाती हुई नजर आ रही है। परिसर भी पूरी तरह से तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में भी, और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलखें बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला के भव्य दर्शन होंगे। समय नजदीक है, घड़ी नजदीक है, महज 7 दिन और। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय है और इस तारीख से पहले 16 जनवरी यानी कि आज से इसके नियमित अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं। मंगलवार से लेकर 22 जनवरी सोमवार तक प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान हो रहा है जिसकी पूरी जानकारी सामने आ गई है। अगर कहा जाए तो लोगों का इंतजार अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। 16 जनवरी से शुरू हो रहे अनुष्ठान, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से 7 दिनों की एक लिस्ट सामने आई है। 16 जनवरी को प्राश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत हुई। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद हर दिन एक आधिवासिक अनुष्ठान होगा जिसमें जल, औषधि, गंध, घी, धान्य, शक्कर, पुष्प आदि शामिल है। इन सभी अधिवासों की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान श्री राम लला के विग्रह की शुभ प्राण प्रतिष्ठा पौष मास के शुक्ल पक्ष की कुर्म द्वादशी की तिथि के दिन 22 जनवरी 2024 की होगी। आयोजन तिथि और स्थान। भगवान श्री राम लला के विग्रह का शुभ प्राण प्रतिष्ठा योग पौष शुक्ल कुर्मदर्शी द्वादशी विक्रम संवत यानी सोमवार 22 जनवरी 2024 को आता है। शास्त्रोत्तर प्रोटोकॉल और पूर्व समारोह अनुष्ठान। सभी शास्त्रीय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में आयोजित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा पूर्व संस्कारों की औपचारिक प्रक्रियाएं 16 जनवरी से शुरू हो गई हैं और 21 जनवरी 2024 तक जारी रहेंगी। द्वादश अधिवास प्रोटोकॉल इस प्रकार है। 16 जनवरी प्राश्चित और कर्मकुटी पूजन, 17 जनवरी मूर्ति का परिसर प्रवेश, 18 जनवरी शाम तीर्थ पूजन, जल यात्रा और गंधावास, 19 जनवरी सुबह औषधि दिवास, केसरा दिवास, घृत दिवास, 19 जनवरी शाम ध्यान दिवास, 20 जनवरी सुबह शक्रादिवास फलादिवास, 20 जनवरी पुष्पादिवास, 21 जनवरी माध्याविवास, 21 जनवरी शाम को श्रेयाधिवास। अधिवास प्रोटोकॉल और आचार्य। आमतौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7 अधिवास होते हैं और न्यूनतम 3 अधिवास व्यवहार में होते हैं। अनुष्ठान का संचालन 121 आचार्य करेंगे। श्री गणेश्वर शास्त्री दृढ़ जी अनुष्ठान की सभी कार्यवाही की देखरेख, समन्वय, संचालन और निर्देशन करेंगे और प्रमुख आचार्य काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित हैं। विशिष्ट अतिथि प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित की गई। विधिवत प्रतिनिधित्व। भारतीय आध्यात्मवाद के सभी विद्यालयों के आचार्य, धर्म संप्रदाय, पूजा पद्धति, परंपरा, 150 से ज्यादा परंपराओं के संत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, महंत, नागा, साथ ही 50 से ज्यादा आदिवासियों के प्रमुख व्यक्ति, गिरिवासी, तत्ववासी, दीपवासी, आदिवासी परंपराओं के लोग भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के परिसर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। ऐतिहासिक जनजातीय प्रतिनिधित्व। पहाड़ियों, जंगलों, तटीय बेल्ट, द्वीपों आदि के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जनजातीय परंपराओं की उपस्थिति भारत के हाल के इतिहास में पहली बार हो रही है। ये अपने आप में अनोखा है। समावेशी परंपरा। इन परंपराओं में शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य, पाट्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशराम, शंकर, रामानंद, रामानुज, निम्बार्क, माधव, विश्वनामी, रामस्नेही, गीसापंथ, गरीबदासी, कौड़िया, कबीरपंथी, वाल्मीकि शामिल है। इसके अलावा शंकरदेव असम, माधवदेव स्कॉन, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, गायत्री परिवार, अनुकूल चंद्र ठाकुर परंपरा, ओडिशा के महिमा समाज, अकाली निरंकारी, पंजाब के नामधारी, राधा स्वामी और स्वामी नारायण, वारकरी, वीर शैव भी शामिल है। दर्शन और उत्सव। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी साक्षियों को कर्मशः दर्शन होंगे। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह हर तरफ देखा जा रहा है। इसे अयोध्या सहित पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का संकल्प है।
समारोह की तैयारी के दौरान विभिन्न राज्यों से लोग लगातार पानी, मिट्टी, सोना, चांदी, रत्न, कपड़े, आभूषण, विशाल घंटियां, ड्रम, सुगंध, सुगंधित वस्तुएं लेकर आ रहे हैं। उनमें से सबसे उल्लेखनीय थे माँ जानकी के मायके द्वारा भेजे गए उपहार। एक बेटी के घर स्थापना के समय भेजे जाने वाले उपहार जो जनकपुर नेपाल और सीतामढ़ी बिहार के ननिहाल से अयोध्या लाए गए हैं। रायपुर डंडाकर्णी क्षेत्र स्थित प्रभु के ननिहाल से विभिन्न प्रकार के आभूषण उपहार भेजे जा रहे हैं। ये उत्सव है और ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक नए भारत की स्थापना भी है।